हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये पार्ट टू है, भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट टू है। इसमें मैं आपको पार्ट टू में 50 क्वेश्चन दूंगा, पार्ट वन में मैंने 50 क्वेश्चन दिया। ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके हर किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर जो आप कोई भी एग्जाम दीजिए और इन 100 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट टू। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक ग्रहों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? यूरेनस। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? नेपच्यून। पुछल्ले तारे की पूछ सदैव किसके तरफ होती है? सूर्य से दूर या विपरीत। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे दूर और निकट कौन कौन से ग्रह हैं? क्रमशः नेपच्यून और बुध। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? शनि। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्णका होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा? तीसरा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। कौन से ग्रह से सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र एवं यूरेनस। गैनीमिड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 89 यानी कि 89। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 81 यानी कि 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। हेली पुच्छल तारा किसके वर्ष कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1886। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? कैपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी कितने माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। सांद तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। सौरमंडल के कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है क्या कहलाता है? कृष्ण विवर या ब्लैक होल। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमिड। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कॉपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। सूर्य ग्रह के अन्वेषण
करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष का क्या नाम है? मैगलेन। दोस्तों ये थे भूगोल से संबंधित 100 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में दिया, 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में दिया। दोनों पार्टों को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसा देखिए कि भूल लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।